हेलो एवरीवन। तो CUET PGM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है उसमें ऐसा क्या हमें जो है पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए जिससे कि हमारा जो इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके हो सके। ठीक है, तो डिटेल आउट यहाँ पर करेंगे, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। आप लोग उस टॉपिक को नोट करके और ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है आपके माइक्रो और मैक्रो के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, आप ज़रूर से उसको पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस पर जो है जाके क्लिक करके उस लिंक पे और वो सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट देखेंगे। अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पर 80 जो है प्लस टेस्ट ऑलरेडी रनिंग है, और भी अभी कुछ आपके जैसे एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है, हम और भी वहाँ पर टेस्ट पोस्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। पिछले साल इसी टेस्ट सीरीज से ऑल इंडिया रैंक 1, 2, एंड 15 रैंक जिनका JNU में एडमिशन हुआ था आपके मिला था, और आप और मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और ऑलरेडी जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे वो आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी BBAU, SCU, BHU जो है JNU ये सारे में जो एडमिशन हुआ था उनका, तो हेल्पफुल रहेगा फॉर श्योर। और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल इनकम को, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसका ट्रेंड्स बेसिकली क्या है, आपका नेशनल इनकम जैसे 1971 का जो डेटा है उसके बाद के जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज़ को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, और रिसेंट के डेटा जैसे अभी मैं बोल रही हूँ 2011 के बाद का अगर हो सके तो नेशनल इनकम का जो डेटा है आपके 2022 या फिर 23 तक का अगर आप याद कर लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ज़रूर याद कर लीजिएगा, किस तरीके से आपके प्राइमरी सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है, मतलब आपके टर्शरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है वो कैसे डिक्लाइन हुआ या फिर बढ़ा है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली जो ट्रेंड है ना आपका, किस तरीके से अभी आपके सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर का रोल रिड्यूस हुआ है, 1950s में किसका रोल ज़्यादा था और लगभग कितना परसेंटेज जो पॉपुलेशन था वो आपके इन्वॉल्व था बेसिकली, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में किस तरीके से आपके ये इंक्रीज़ किया है, ज़रूर से इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप जो है अगर आप बात करें एग्रीकल्चर में तो ज़मींदारी, रेवतवारी और महलवारी जो सिस्टम ऑफ जो है पहले चला आता था, तो लैंड रिफॉर्म है ना वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, आपके जो जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं जिसमें आपके टेनेंसी रिफॉर्म या फिर जो जो आपके रिफॉर्म हुए हैं सारे आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा थॉरली। ठीक है, वो भी आपके इम्पॉर्टेंट रहेगा। एग्रीकल्चर मार्केट इंस्टीट्यूशन में आप नाबार्ड को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके नाबार्ड और जो है और भी जो एग्रीकल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस है आपके फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, उसको उसकी उसका जो बेसिकली आपका क्या रोल है और किस तरीके से आपके हेल्प करता है आपके एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस में, वो ज़रूर से जो है याद कर लीजिएगा। अब किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो है, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो बढ़ा है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ये थोड़ा सा आपको डेटा बेस्ड है तो आपको कुछ ईयर्स का डेटा जो है याद करना होगा। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मैंने अभी जस्ट कुछ अभी बजट से रिलेटेड जो है आपके डेटाज़ को सेंड किया है, ऐसे मैं कुछ और डेटा आपको सेंड कर दूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो फेमाइंस हुए थे आपके बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जैसे चालीसा फेमाइन या फिर आपका ग्रेट बंगाल फेमाइन है ना, बहुत सारे आपके फेमाइन हुए थे, लगभग 11 मिलियन पीपल्स डाइड हुए थे, तो ये जो है फेमाइन ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। और बेसिकली कुछ आपकी 11-12 इसमें भी फेमाइंस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया था इंडिया के पॉपुलेशन को, तो वो ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। और ईयर उसका याद रखिएगा कि किस ईयर में वो फेमाइंस आपके आए हैं, वो ज़रूर मतलब आप स्टडी करिएगा। किस तरीके से रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पहली बार रेलवे कब चला था, उसका ग्रोथ किस तरीके से हुआ था आपके, ठीक है, और किस तरीके से इम्पोर्टेंस रहा था आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में रेलवे का, है ना, पहली बार रेलवे कब चला, कब आपके जो है मतलब एक हिस्ट्री जो है आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंटर वॉर पीरियड था वो स्टडी करिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था आपका, जब हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें और आफ्टर इंडिपेंडेंस में जितनी भी पॉलिसी है आपके इंडस्ट्रियल IPR की, 1948 की, 56 की, उसके बाद 72 की, 1992 की, वो सारा थॉरली पढ़िए
बताइएगा कि कब कब जो है क्या क्या रिफॉर्म हुए, कब बहुत ज़्यादा ग्रेट आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, कब जो है आपके बेसिकली जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री या फिर हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, और कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा, जैसे बोकारो हो गया, भिलाई, दुर्गापुर कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, ये ज़रूर से आप स्टडी कर लीजिएगा। इसको ऑलरेडी मैंने क्लासेस में भी पढ़ाए हैं और आपके लिए पक्का से हेल्पफुल रहने वाला है। और जितने भी आपके IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसको थॉरली स्टडी करिएगा, बिकॉज कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है बन सकता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में जितने रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर में अभी तक, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड देखिए पिछले साल पूछा था, ENAM क्या है, ENAM का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, है ना, और अभी जो रिसेंट के जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो ज़रूर से स्टडी करिएगा, क्योंकि जो पेपर में पिछले साल कुछ आपके ट्रेंड्स भी पूछा था, साथ साथ जो कुछ आपके इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुए थे या फिर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ENAM कब इस्टेब्लिश हुआ, और भी जो आपके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं उसको ज़रूर से आप स्टडी करिएगा थॉरली, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका इकोनॉमी एंड स्टेट इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में क्या था, उसको पढ़ लीजिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ ज़रूर से स्टडी करिएगा, थोड़ा सा इस पर डेटा पढ़ लीजिएगा दादा भाई नेहरू जी का, है ना, दादा भाई नेहरू जी का आप स्टडी कर लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपके ट्रेंड्स रहेंगे आपको ज़रूर याद हो जाएंगे और बहुत ईजिली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये इससे भी एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या है? मतलब आपके जैसे अब पहले जब बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस तो हम लोग साइलन जो आपके श्रीलंका है, चाइना है ना, आपके ईरान से, इन सब से जो है हम लोग ट्रेड करा करते थे, और फिर बाद में हमने देखा कि ये जो है ट्रेंड बदला है और अब जो है हमारा किसके साथ ज़्यादा आपके अगर हम बात करें जो बेसिकली ट्रेड हो रहा है वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा थॉरली, ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ऑलरेडी आपके पेपर में पहले भी मतलब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ, इजीली आप कर लोगे, इसमें हमको नहीं लगता कि कोई आपको इशू होना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली अभी जो आया है, जो अभी जस्ट अभी जो बजट पेश हुआ है उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं वो एकदम थॉरली आप स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप डेटा याद करना पसंद कर रहे हैं तो आप को जो डेटा याद करना है, वैसे तो मैं 2001 के बाद का सब डेटा कहूँगी, बट आप इतना नहीं याद कर पाएंगे तो इसी वजह से जो 2011 के बाद का डेटा है, जैसे आपका GDP कितना रहा था, GDP पर कैपिटा कितना रहा था, है ना, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। और फेमाइन के जो है वो भी पढ़ लीजिएगा कि फेमाइन कब कब हुआ था, रिवोल्यूशन जो आपके हुआ है, जो क्रांतियाँ हुई हैं आपके, रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ये सब भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है पेपर में ये सारे से भी क्वेश्चन आपके पूछता है। जो जितने भी आपके एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन है फॉर्मल वाले, उनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कैसे क्रेडिट मिलता है उनसे, और जितनी भी क्रेडिट स्कीम है रिलेटेड विद आपके एग्रीकल्चर वो ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको डेटा तो पढ़ना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते, अगर आप स्किप करते हैं तो आपके दो चार तो क्वेश्चन तो ऐसे ही मतलब चले जाएंगे, पर आप कुछ कुछ स्पेसिफिक डेटाज भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूँगी, अभी जस्ट मैंने अभी बजट का भेजा है, इकोनॉमिक सर्वे का जो इंपॉर्टेंट डेटाज है मैं उसको भी आपके सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप जो है टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन देख लीजिएगा, GDP 2011 से लेके अभी तक कितना रहा है वो पढ़ लीजिएगा, नेशनल इनकम का ट्रेंड कितना रहा है 1971 के बाद का, कोशिश करिए अगर हो पाए तो कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें 1950s के पहले क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और किस पे हमारा जो वर्क फोर्स था वो किस पे ज़्यादा आपके मतलब कंसंट्रेटेड था कहाँ पर, और उसके बाद कब हुआ, क्योंकि आपको पता है ना ग्रेट डिवाइड आपका ईयर जो है 1921 होता है, उसके बाद आप देखते हो कि जो आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको फेमाइन भी बहुत इम्पैक्ट करता है ना, फेमाइन आपके देश में बढ़ने की वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वो वाला डेटा ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, है ना। और फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि एग्रीगेरियन जो स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारे देश में, ठीक है, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, आपके महलवारी, रेवतवारी कौन कौन से स्टेट में फेमस था, है ना, कौन कौन से प्रोविंसेस को जो है इम्पैक्ट करता था, है ना, कितने जो है आपके मतलब उसमें क्या बेसिकली क्या क्या रिफॉर्म थे वो ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, किसका वहाँ पर रोल क्रूशल होता था, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था, क्या फिर इंटरमीडरीज का होता था, वो जो है आप बेसिक जो कंसेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट आप जो है इसमें इंस्टीट्यूशंस पढ़ सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे NABARD हो गया, है ना, आपके
जितने भी मतलब आपके बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उन इंस्टीट्यूशन को पढ़ के उनके ईयर्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर और मैं बात करूँ तो ये आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या कर सकते हो, तो आप अगर प्रतियोगिता दर्पण आपके पास है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण जो फेब्रवरी का है उसको रीड आउट करेंगे तो उसमें आपको जो है MCQs भी कुछ मिल जाएंगे आपके बजट से रिलेटेड। साथ साथ वैसे मैं MCQ अपने टेस्ट में भी लगा दूँगी इस बार बजट का। और अगर मैं बात करूँ तो उसमें जितनी भी योजना अभी चल रही है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपको पढ़ने, तो जितनी भी योजनाएँ जितनी भी पॉलिसीज़ चल रही है आप इसको इसमें बहुत कंसाइज और बहुत जो है क्रिस्प तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है प्रतियोगिता दर्पण में। अगर आपको रमेश सिंह पढ़ना है तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रमेश सिंह में भी बेसिकली जो जो बहुत मतलब क्रिस्प दिया हुआ है चीज़ें, बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है, बट अभी पढ़ने का टाइम तो नहीं आपके पास। मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेम्प्ट कर लो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे आप जो है आप जो है जैसे इंडस्ट्रियल जितनी भी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं 1992 के उसके पहले के, है ना, MRTP, फेरा, फेमा, ये सब जो है पूरे एकदम जो है अगर MCQ से कर लेते हो तो तुमको जो है ज़्यादा दिमाग में सेटल इन होगा, ठीक है। थोड़े से ट्रेंड्स ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर मेरे से कोई स्किप हुआ होगा पार्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी, बट आप इतना भी कर लोगे तो आपको एक जो है आइडिया लग जाएगा कि जो है आपका आइडिया क्या लगेगा, इवन हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो फेमाइन का जो ईयर है, जितने भी 10 से 11 फेमाइंस हुए थे उनका ईयर किस किस रीजन को इम्पेक्ट किया था, कितने लोग आपके डेथ किए थे उसकी वजह से, क्या आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर इम्पेक्ट था वो भी पढ़ लीजिएगा। रेलवे में जो इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन है, कब रेलवे इस्टेब्लिश हुआ, किस तरीके से रेलवे में पहली बार आपके रिफॉर्म किया गया, बजट पहली बार रेलवे का कब बना था, है ना, सेपरेट होके, वो सब चीज़ें जो है आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से रेलवे की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट आपका हुआ है, बेसिकली जो इंडस्ट्रीज आपकी इंटर पॉर पीरियड में, जैसे आपके मैं बोलूँ जो है आपके टाटा का जो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, वो सब कैसे हुआ, ठीक है, और कौन कौन से रीज़न में, जैसे मुंबई हो गया, इस क्षेत्र में बहुत सारे आपके ट्रेड मिल्स ना, आपके बेसिकली जो मिल्स थे कॉटन मिल्स ये सब इस्टेब्लिश हुए थे, वो आप ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको फेमाइन का पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म जितने भी हुए थे वो पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको बहुत क्रिस्प जाना है तो आप वही रमेश सिंह को स्टडी कर सकते हैं, बट कम टाइम अगर देना है तो टाइम दे दीजिए, अदरवाइज़ जितना भी आप MCQ इंडियन इकोनॉमी पे करेंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से Q&A जितना भी क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपको करवाया जा रहा है कहीं पर भी किसी भी YT पे तो आप ज़रूर से उसको देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको फॉर श्योर। और वहीं से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आता है और ये जो है मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा, बहुत बहुत बार ऐसा मैंने देखा, तो आपके लिए भी यही सुझाव रहेगा। तो आप Q&A करके जो है इसको अगर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में चीज़ें सेटल इन होती है, अदरवाइज़ फिर आप जो है मुश्किल पड़ता है आपके लिए, क्योंकि इसको थॉरली रीड करना है, दिमाग में रखना इस बहुत मुश्किल काम है ना, तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और भी कोई सजेशन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स बता देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, है, धन्यवाद।